आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स, लाइक जब भी पेशेंट की जान बच जाती है तो इतना मतलब वो डॉक्टर्स को वोट ऑफ थैंक्स देती है कि थैंक यू सो मच, आप तो हमारे लिए भगवान हो. तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा गूज बम्स देता है. मतलब ये जो टर्म लाइफ सेवियर है ना, ये मुझे इतना अच्छा लगता है कि मतलब इट्स एन इमोशन. दैट्स व्हाई आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर. हेलो एवरीवन, आई एम श्रेया महापात्र एंड करेंटली आई एम स्टेइंग इन भुवनेश्वर उड़ीसा एंड माय फादर नेम इज़ सुब्रत कुमार महापात्र. सो ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप है एंड पहला वाला अटेम्प्ट में मैंने 470 स्कोर किया था और ये नीट 2023 मेरा सेकेंड अटेम्प्ट होने वाला है. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस विथ ईच एंड एवरीबॉडी, लाइक जो कि सारे 11th में आते हैं उस टाइम उनको स्ट्रीम सेलेक्ट करना पड़ता है कि वेदर दे हैव टू गो फॉर नीट यूजी या फिर जेई एंड कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स. सो मेरे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. मैं जब छोटी सी थी तब से मैंने एस्पायर करा था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे मेडिकल फील्ड में ही जाना है. मेरे पापा है वो भी डॉक्टर है, सो ही इज़ माई इंस्पिरेशन. आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स, लाइक जब भी पेशेंट की जान बच जाती है तो इतना मतलब वो डॉक्टर्स को वोट ऑफ थैंक्स देती है कि थैंक यू सो मच, आप तो हमारे लिए भगवान हो. तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा घूस बम्स देता है. मतलब ये जो टर्म लाइफ सेवियर है ना, ये मुझे इतना अच्छा लगता है कि मतलब इट्स एन इमोशन. दैट्स व्हाई आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर. कोई भी अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज जो मेरे स्टेट में अगर मुझे मिल जाए, एम्स भुवनेश्वर या फिर SCB मेडिकल कॉलेज या MKCG, तो वो ही मेरे लिए सब कुछ रहेगा. सो दैट कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहकर अपने मेडिकल की जर्नी पूरी कर सकूँ. मुझे सारे के सारे टॉपर्स अच्छे लगते हैं क्योंकि वो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं. दैट्स वाई दे आर जस्ट टॉपर्स एंड वो अपने डेकोरम सब कुछ मेंटेन करके चलते हैं एंड स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. 2020 में ही मेरा 10th बोर्ड्स ख़त्म हुआ. तो एक्चुअली एग्ज़ाम के 2 दिन बाद ही एवरीथिंग जस्ट चेंज्ड. हमें पता चला कि कोविड नाम का कुछ आ रहा है, एक वायरस, बहुत ही इन्फेक्टेड वायरस. तो उस टाइम पे ना इतना ज़्यादा मतलब सन्नाटा आ गया. कोई भी लाइक जितने भी सारे टीचर्स लोग थे वो नहीं आ रहे थे क्योंकि सबको अपने जान प्यारी होती है स्टडीज़. उस टाइम पे हमें ये बोला जाता था कि पढ़ो मत, पहले जान प्यारी होती है उसको बचा लो फिर बाद में पढ़ना. तो एवरीथिंग जस्ट चेंज्ड क्योंकि ना, और उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस होती रहती थी हमारी, वो जूम ऐप पे होती रहती थी. द मेन डिसएडवांटेज वाज जो कि सारे टीचर्स थे जूम पे जो ले रहे थे क्लासेस, वो सारे ऑफलाइन अक्वेंटेड टीचर्स थे. 2021 दिसंबर महीने को मुझे जाके पता चला कि अनअकैडमी के बारे में, कि अनअकैडमी कुछ होता है, लाइक यूट्यूब पे भी क्लासेस होता है. तो मैंने 1-2 क्लासेस लगाई टीचर्स की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये तो हमारे स्कूलिंग मतलब स्कूल वाले टीचर्स से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. 12th बोर्ड ख़त्म हो गई, उसके बाद सिर्फ एक ही महीना बचा था. लाइक जून को 12th बोर्ड ख़त्म हुआ और जुलाई 17 को था हमारा नीट एग्ज़ाम. वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था. तो मम्मी ने कहा कि जो होगा देखा जाएगा, तो बस कंसंट्रेट कर पढ़ाई पे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर. और मैंने वो भी किया एंड बाकी नहीं हो पाया. आई डिडंट रीच अप टू माई एक्सपेक्टेशंस. दैट्स वाई आई टुक अ ड्रॉप एंड आई डिडंट जॉइन एनी कॉलेज. लाइक कोई भी कॉलेज मैंने ज्वाइन नहीं किया जो कि BSc या फिर BTech या फिर कुछ भी, क्योंकि मेरा तो एक ही ड्रीम है ना, वो मेडिकल कॉलेज में जाना. तो मतलब मैं अगर जहाँ भी चली जाऊँ तो छोटा सा मतलब दिल में ख्वाहिश रहेगी कि अगर ऐसा मतलब मैंने ड्रॉप लिया होता तो आज मैं मेडिकल कॉलेज में होती. मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी मिले बहुत कि इसका तो पूरा 1 साल बर्बाद हो गया, ऐसा बहुत सारे ताने भी सुनने को मिले. सो मैंने ठान लिया था कि मैं इनको बातों से नहीं, अपने मार्क्स से इनको चुप करवाऊँगी.
जब मेरा मतलब नीट का स्कोर आया कि 470 मार्क्स आए हैं, तो उसके बाद मैंने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में ही मॉक टेस्ट देती रहती थी उसके बाद ही। तो वहाँ पे ना सारे माइनर टेस्ट होते रहते थे कि जो कि 360 से हुआ करते थे, 360 टोटल मार्क्स हुआ करता था। उसके बाद ही मैंने मेजर टेस्ट देना स्टार्ट करा। तो माइनर टेस्ट में तो मैं मतलब 360 आउट ऑफ 360 मेरा 280 अबव रहा, पर मेजर टेस्ट में क्या हुआ ना, जब 720 से ही मेरा मतलब 200 में आने लगा मार्क्स, तो मैं उस टाइम बहुत ही डीमोटिवेटेड हो गई थी। देन मेरा आफ्टर दैट आई कंटिन्यूड, मतलब मैंने कंटिन्यू रखा मॉक टेस्ट देना या और क्लासेस वगैरह टाइमली करना, लाइव क्लासेस अटेंड करना, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद ही जाके मेरा फिर से अच्छे नंबर्स आने लगे, लाइक 500, और हाईएस्ट अभी तक मेरा 605 आया है। आई विल ट्राई माई बेस्ट, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जब मैं सुबह उठती थी, तो 7 to 8 उठने के बाद मेरा जो पहला लाइव क्लास होता है ना, वो 8:15 को होता है। तो 8:15 को मैं अटेंड कर लेती हूँ, वो मेरा फिजिक्स का क्लास होता रहता है। तो 8:15 को अटेंड करने के बाद थोड़ा ब्रेक लग जाता है, उसके बाद 8:15 to 9:15, उसके बाद मैं कुछ ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद ही मैं सेल्फ स्टडी करने लगती हूँ। बाकी का जो सब क्लासेस है वो मेरा आफ्टरनून को होता है, और मैं साइमल्टेनियसली नोट्स भी बनाती रहती थी। सुबह भी मैंने जो कुछ पढ़ा था, लाइक आफ्टरनून को जितने भी सारे क्लासेस में जो कुछ पढ़ाया गया है, उसका एक और एक बार रिवीजन ले जाती हूँ, मतलब रिवीजन कर लेती हूँ। और उसके बाद उसके उस टॉपिक रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेती हूँ, जो कि एक बूस्ट देता है मेरे प्रिपरेशन को। मैं देर रात तक फिर भी जगती हूँ, और मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट डे जो भी पढ़ाया जाएगा उसका मतलब बुक से एक बार ही रीडिंग ले जाती हूँ, ये अच्छा रहता है। सो दैट कि क्लासेस में नेक्स्ट मॉर्निंग क्या पढ़ाया जाएगा कुछ तो आइडिया, मतलब छोटा सा आइडिया रहेगा, इसीलिए थोड़ा सा देख लेती हूँ। तो जितने भी सारे एस्पायरेंट्स हैं, मैं उनको एक बात बोलना चाहती हूँ, कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि उनका काम है कहना, पर एक बात तुम याद रखना कि तुम्हारा भविष्य लिखने वाला कलम तुम्हारे हाथों में ही है। बस उस कलम को भूल कर भी किसी और के हाथों में मत सौंपना। आपको अगर सेकेंड ड्रॉप लेना है, या फिर थर्ड ड्रॉप लेना है, या फिर जितने भी ड्रॉप लेना है, ये आपकी ज़िंदगी है, आप ले सकते हैं। आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि बाहर वाले क्या कहेंगे, या फिर हमारे खुद के रिलेटिव्स क्या कहेंगे क्या नहीं, क्योंकि ये मतलब आपका डिसीज़न आपका होना चाहिए और किसी का भी नहीं। सो ये थी मेरी पूरी नीट की जर्नी, जो कि ख़त्म होगा 2023 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप भी अपनी स्टोरी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।